डाली डाली फूलों की। बाहर का वेदर हो रखा है ऐसा खतर। बाकी मेरी 4-5 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब। मैंने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है मेथी। तो हेमू इनको भी मैंने बोल दिया है, चल रहे हेमू नहीं तो ये दोनों लोग भी रेडी। बोला मैडम टी टाइम किसके? बहुत मस्ती हो गई है, सब कुछ हो गया और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू पार्ट्स। गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट बहुत तेज हो रहा है, हो रहा है मौसम बहुत ही औसम और बहुत ठंडा हो रहा है। गांव में भी बारिश हो गई है तो बारिश की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। यहाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, बाहर का वेदर हो रखा है ऐसा खतरनाक वाला, ठंडा हो गया है बहुत ज्यादा। लग नहीं रहा है, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, ये 11 बजे का टाइम है। और तो जो भी है, कल तक ऐसा ठंडा नहीं लग रहा था, मुझे इतना ठंडा नहीं लग रहा था। और मैंने मेहंदी भिगा दी सर पे लगाने के लिए, जो कि मैं 11 मतलब 8 या 9 साल बाद अब मैं मेहंदी लगाऊंगी अपने सर पे। बहुत टाइम पहले मैं मेहंदी लगाती थी, 1-2 साल बाद भी मैंने लगाई थी, पर उसके बाद नहीं लगाई और अब मुझे फिर मेहंदी की जरूरत। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जो पहले मैं अपनी होम रेमेडी यूज करती थी उससे मेरे बाल बहुत ही सुंदर। तो ये मैंने भिगाई है मेहंदी, आज मैं लगाऊंगी ये मेहंदी, अभी भिगा के रखी हुई है, रात को भिगा दी। और ये भिगा रखी है मैंने रात से मेथी, ये मेरी अपनी होम रेमेडी है जो मैं पहले यूज किया करती थी स्कूल टाइम। वैसे तो मैं मेहंदी खुद लगा लेती, बट मुझे लग रहा है आज मुझे मेहंदी लगाने के लिए नीतू की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मैं नीतू को कॉल कर रही हूँ और पूछती हूँ नीतू से उसके पास टाइम है या। तो मैं खुद ही लगाऊंगी, बट नीतू लगा देगी तो थोड़े अच्छे से लग जाएगी। फर्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद आज मेरे को लगानी है मेहंदी अपने सर। बाकी मेरी 4-5 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, गला खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, आजकल यही चल रहा है। इसलिए हमने कोई व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। टाइम क्या नहीं था, तबीयत भी ठीक। मैंने इस मेथी का पेस्ट बना दिया जो भिगा रखी थी और अब इसको मेहंदी में मिक्स कर रही हूँ। मैंने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है मेथी को मेहंदी में और अब चलते हैं नीतू के घर। मैंने नीतू से पूछा था तो नीतू ने कहा हमारे घर ही आ जा मेहंदी लेके और वो लगा देगी, तो चलते हैं नीतू के। बहुत ठंडा हो रहा है और आज मुझे मेहंदी लगाना भी जरूरी है क्योंकि मैंने ये कर दी थी और इसमें पैक कर दिया, लेके जा रही हूँ नीतू। तो हेमू इनको भी मैंने बोल दिया है, चल रहे हेमू नीतू के घर। बस ये भी रेडी है। तो वैसे मैंने हेमू को बोला था, अभी मैंने नीचे से ही आवाज मार के बोला कि मैं जा रही हूँ तो तू भी चल ले घर में भी क्या करे। बंधु भैया भी रेडी होने लग गए हैं डुगू डोरा से मिलने के लिए, कियान से मिलने के लिए। मजा आया और मैं ये जो गुरुजी का ये लग गया वही मेरे गुरुजी कहाँ से आए, वो तो आपके भी गुरुजी हो तो सबके गुरुजी है, सबके है ना, आपके भी तो है। तू औरों के घर पहुंच गए हैं और यहाँ कियान नहीं दिख रहा हमें जिससे हम सोच रहे थे मिलेंगे। अरे कहना क्या चाहते, चलते हैं ऊपर और देखते हैं नीतू क्या कर रही है। ये नीतू और यहाँ डेकोरेशन करी हुई है मस्त वाली, फोटो फ्रेम्स लगा रखे हैं। तो फाइनली मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है और ये नीतू लगा रही है मेरी मेहंदी। और नीतू थोड़ा जुड़ा ना ऊपर ऊपर बनाइयो जो कि नीचे ना लगे ना, हाई नेक पहनी हुई है ना। तो ये बकवास कर रही है बहुत ज्यादा, कह रही है चल अब हटा दे, तो मैं नहीं हटाऊंगी, थोड़ा सा दिखाना भी तो है ना, ये कितनी प्रोफेशनल है और इतने टाइम बाद लगा रही है तो मेरी कैसे लगाएगी, थोड़ी देर बाद दिखाते। तो फाइनली मेरा कंप्लीट होने वाला है और ठंडा भी लग रहा है मुझे, जैसे जैसे ये सूखता जाएगा मेरे को और ठंडा लगता है। मारो मुझे, मारो। तो फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है, पूरा कंप्लीट हो गया मेहंदी लग के और ये इधर उधर भी लग गया, थोड़ा थोड़ा हटाऊंगी मैं इसे, अभी साफ करूंगी नहीं तो इधर भी हो जाएगा लाल है। दोबारा लगा दी मैंने पर ये हो गया है मेरा आज काम एक खत्म। पर बाहर के मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि कितनी देर में इसे लग पाऊंगी, ठंडा भी हो रहा है, कान पे सारी जगह लगा दिया है। मौसम कुछ इस तरह हो रहा है, अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और मौसम बना हुआ है फुल बारिश का, छींटे भी पड़ रहे हैं हल्के हल्के, लग रहा है जैसे बारिश आएगी। ये आ गई है हमारी डोरा, मैडम ने एंट्री कर दी है और वो स्कूल से घर पहुंचता नहीं, उसका ढोल बजना चालू हो जाता है। ये देखो अभी घर पहुंचा है, ये देखो अभी ये घर पहुंचा है।
ये है हमारा डुग्गू, आते ही बता दिया इसने, अंदर घुसा, बैग फेंका और ढोल बजाना चालू। डोरा मैडम आते ही मस्ती चालू हो गई है डोरा की भी। डोरा डुग्गू का यही काम है आते ढोल बजाने स्टार्ट। हाँ। मतलब उसने बता देना है कि मैं घर पहुंच गया ना, हम ऊपर बैठे हुए थे और हमें ऊपर बैठे बैठे पता चल गया डुग्गू आ गया। क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि पापा बजा रहे हो, अगर पापा घर पे भी हो, क्योंकि उसकी आवाज कुछ चेंज ही है। चेंज ही है? हाँ। कुछ चेंज ही है ऊपर। अरे कहना क्या चाहते, इतना स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा सही है वैसे, जब ये नहीं होता तब करा लेते, कपड़े चेंज करके डुग्गू फिर तैयार हो गया, ढोलक लेके नीचे जा रहा है। डुग्गू आप कहाँ हैं? आज बहुत देर हो गई थी यहीं पे, हमें 2-3 घंटे हो गए थे, तो हमने लंच भी कर लिया है और लंच करके अब ये टी टाइम भी हो गया हमारा, क्योंकि ऐसे सर लेके तो मैं वहां तक जाऊंगी नहीं, तो मैं हेड वॉश करके ही जाऊंगी घर। समझ रहे हो टी टाइम, अभी भात खाया था, तुरंत ही चाय भी आ गई है, अब चाय भी पी लेते हैं। सेब खाली हो चुकी है और ये हेमू ने सेब खा लिया है, ये थोड़ा प्रोटीन वाली चीजें खा रही है यहाँ पर। बाप को भेज, तेरे बस की बात। डुक्कू तो कब सुधरेगा, ये बाप कितना ही रहेगा। ये देखो, ये देखो, डोरा की भी ट्यूशन क्लास आज यहीं ले ली है और आज डोरा वहाँ नहीं आएगी और अब हम जाते हैं घर को। ये सूखा नहीं है, अब मुझे ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, तो अब ये मुझे मिली है शावर कैप, अब ये लगा के मैं जाऊं। आलू चलो, अब ये मेरा पैक कर लिया है मैंने सर, और अब ऐसे ही जाना पड़ेगा घर तक, क्योंकि यहाँ पर यहाँ रुकूंगी तो पूरी शाम यही होता है। और यहाँ महाभारत चढ़ी हुई है डुग्गू और डोरा की, तो ये आप पीछे देख ही रहे हो, डुग्गू को देखो कितनी एक्टिंग करता है, अभी तक ढोल बजा रहा था, अब इसका ढोल बंद हुआ है तो अब इसका मुंह चालू हो गया है, ये देखो एक्टिंग, मतलब ऐसे नौटंकी की दुकान है यहाँ पर। मगरमच्छ के आंसू निकलते होंगे ना, ये मगरमच्छ, ये मगरमच्छ को ये देखो। चलो डुग्गू बाय कर दो, चलो हेमू चलो जल्दी, चलो बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, बाय बाय। डुग्गू अब हमारी विदाई करने के लिए ढोल बजा रहे हैं, ये विदाई में दुख लग रहा है तो थोड़ा सा धीरे धीरे। हाँ अभी वो जोश थोड़ा खत्म हो गया, हवा निकल गई, ऐसे ढक ढुक के आना पड़ रहा है, और ये देखो पीछे तो बहुत तेज हो रहा है, है? और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो मैं घर पहुंच गई हूँ। हेमू और चंदू भी अभी अपने घर चले गए हैं और घर आ गई हूँ, और घर आके मैंने जो थोड़ी सी मेहंदी बची थी, जो मैं नीतू कह रही थी धो देती, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा रख दो इसमें जो बचा है, बाकी मम्मी के सर पे लगा दिए मैंने आके, बहुत हल्की हल्की क्योंकि वो थोड़ी सी बची थी, और अब मुझे भी 1 घंटा और रखना पड़ेगा, अभी टाइम हो रहा है, अभी 4 बज रहे हैं और 1 बजे मैंने लगाई थी, तो 3 घंटे तो रखनी पड़ेगी, 1:30 बज गया था जब मेरी लग रही थी मेहंदी, तो अब इसे 1 घंटा और रखती हूँ और फिर उसके बाद धोऊंगी, और आई होप मेरे व्लॉग आपको पसंद आ रहे हो। और अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब। सॉरी प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करो, जैसे आप देख रहे हैं आप मजे ले रहे हैं हमारे चैनल के, वैसे और लोग भी मजे लें, और तो फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।